Sai Ram to all of you. चलिए आज की क्लास आरंभ करें। उससे पहले आपको किसी को कुछ पूछना है, कोई सवाल, क्योंकि अभी बच्चे भी कम आए हैं। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 1 or 2 मिनट, बाकी बच्चे भी और ज्वाइन कर लें जल्दी जल्दी से, फिर हम आगे क्या का जो अध्ययन है वो आरंभ करें। तब तक किसी को कोई प्रश्न, कोई बात पूछनी है, किसी भी बात से रिलेटेड, चाहे वो सिलेबस हो या कुछ और? नो क्वेश्चन। नंदिनी नंदिनी, आस्था, दो ही बच्चे दिख रहे हैं, बाकी का कैमरा बंद है अभी। ओके, शिफा, आप हो बेटा क्लास में? यस मैम। पिछली क्लास में भी थे आप, उससे पहले नहीं थे यस मैम। मैम है ना? पिछली क्लास में भी मेरा लेफ्ट हो गया था मैम, नेटवर्क। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं। अब और भी जो बच्चे, शिफा के अलावा भी जो भी बच्चे प्रीवियस क्लासेस में नहीं हूँ, क्योंकि मैंने एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ाया था जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है, तो उस पाठ का आप अध्ययन करें, आप वीडियोस देखें, और कोई डाउट आए तो आप मेरे से पूछें, ठीक है शिफा? यस मैम। और बाकी सभी बच्चे जिसको जो भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी जिन्होंने इस चैप्टर को पूरा सुना है, ध्यान से सुना है, क्या उन्हें सब कुछ समझ में आया? ओके, एक बार फिर मैं ये बात कहना चाहूंगी कि पाठ में जो लिखा होता है, जो आपको सामने के सामने दिखता है, उसके अलावा भी पाठ में एक संदेश छिपा होता है। एक नहीं, हम कह सकते हैं अनेक संदेश छिपे होते हैं, और तुलसीदास जी द्वारा रचित जो पाठ है, ये तो सच में लोक हितकारी है, लोक मंगल हमेशा से गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं में निहित होता है। इस वजह से चाहे वो कवितावली हो, चाहे विनय पत्रिका हो, चाहे रामचरितमानस हो, सभी में संदेश, बहुत सारे संदेश हैं जो आपके जीवन को एक दिशा और सुनिश्चित दशा प्रदान करते हैं। तो कृपया करके इस पाठ को ध्यान से पढ़ें, इसमें छिपी हुई बात को समझें, क्योंकि आप जान रहे हैं कि पिछली टाइम से आपका जो मूल्यांकन हो रहा है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हो रहा है, आपने कितना रटा उसके आधार पे नहीं, आपने क्या समझा और क्या आप इस पाठ में से मिली हुई शिक्षाओं को अपने जीवन में कहीं शामिल कर पाएंगे। तो इस तरह से देखिएगा, चाहे वो भगवान श्री राम की अपने छोटे भाई के प्रति भक्ति हो, प्रेम हो, आस्था हो, या फिर छोटे भाई का अपने बड़े भाई के प्रति सम्मान हो, है ना, अपने बड़े भाई के प्रति भक्ति हो, चाहे वो भरत जी हो या लक्ष्मण जी हो, ठीक है? तो इस पाठ को ध्यान से पढ़िएगा और पाठ के आधार पर अपने कर्तव्यों को समझने की कोशिश कीजिए। डन? तो आज हम एक नए पाठ की ओर चलते हैं, नया पाठ पढ़ते हैं, और यह पाठ है अतीत में दबे पांव। ठीक है, तो सबसे पहले तो पाठ आरंभ करने से पूर्व इस जो ये पाठ का शीर्षक है ना, इससे आपको क्या समझ में आता है? मैम मैम पुराने समय में जा रहे हैं या फिर मतलब
मतलब पास्ट में जाके ऐसे दबे पांव, मतलब मतलब कुछ कुछ चीजें हम जान रहे हैं उसके बारे में, हमारा पहले का समय कैसा था। ठीक है, और कुछ? तो फिर मैम, ऐसा, हाँ जी प्लीज बोलिए। मैम अतीत से, मैम हम अतीत से जुड़े हुए ऐसा बताया शायद। अच्छा, अतीत में, मैम हाँ भूमिका, मैम अतीत में दबे पाँव का मतलब ये भी हो सकता है कि लोग अपने अतीत, मतलब जैसे अगर पाँव दबे रहते हैं तो हम उन्हें आगे बढ़कर हम नहीं आगे बढ़ पाते, तो इसलिए अगर हमारे पाँव अतीत में दबे रहेंगे तो हम अपने फ्यूचर की तरफ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यस ठीक है, वेरी गुड। भूमिका ने इसका अर्थ निकाला कि जब पांव दब गए हैं और अतीत में दबे पड़े हैं तो हम आगे कैसे बढ़े। इसी वजह से मैंने कहा कि हम पाठ बाद में पढ़ेंगे, पहले देखते हैं कि शीर्षक क्या कहता है। हर पाठ का एक टाइटल होता है और आई नो कि इंग्लिश हो या हिंदी, आपसे ये पूछा जाता है कि इस पाठ के शीर्षक का औचित्य क्या है। इंग्लिश में पूछा जाता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल दिस दिस दिस, होता है चाहे वो कोई भी पाठ हो, उसका शीर्षक क्या बयां करता है, क्योंकि शीर्षक हमारे कौतूहल को जागृत करता है, पाठ के प्रति हमारी जिज्ञासा को बढ़ाता है। तो वेरी गुड, भूमिका ने बहुत अच्छे से बताया, डिफरेंट बताया। और कोई और कुछ? हर किसी को बोलना चाहिए, आपको जो समझ आ रहा है प्लीज बोलिए। जल्दी बताओ, फिर हम आगे चलें, फिर देखें कि क्या आपने जो सोचा था वैसा ही निकला या कुछ डिफरेंट। नाम लेने से बोले तो क्या बोले, मेरे पुकारे बिना बोलो। आस्था ने बता दिया, अंजलि भील ने बताया, नंदिनी आपने बताया, बताओ सोचो, कुछ समझ नहीं आ रहा। पता है अनेक बार क्या होता है, हम दूसरे की बात सुन लेते हैं ना, फिर कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि हमारे जो परसेप्शन है ना वो वही बन जाते हैं जो औरों ने कह दिया। मैम दबे पाँव मतलब तो छुपके से भी हो सकता है ना। Yes. ना दबे पांव आना, आपने इससे अर्थ निकाला कि पास्ट में हमारे द्वारा किया गया कुछ ऐसा जो चुपके से हुआ, छुप कर हुआ, ऐसा कुछ। ओके ठीक है, हाँ ओके गुड। शिफा, यस मैम, बोलो बेटा कुछ तो बोलो। मैम इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि हम धीरे धीरे जो मतलब हमारी पास्ट में जो कही गई बातें उन पे यकीन करने लगे हैं धीरे धीरे, दबे पाँव। ठीक है, ओके गुड। ये ना कुछ जो समझ में आ रहा है वो बोलिएगा। हम पास्ट में यकीन करने लगे हैं, पास्ट में कुछ ऐसा है जो छुप कर हुआ, हमें पता नहीं है। और भूमिका ने कहा कि जिसे कदम रुक गए हों, वर्तमान में आकर भी हम अतीत में फंसे हुए हों, ऐसा कुछ। और आस्था ने कहा कि प्राचीन काल में हुई कुछ ऐसी बातें, है ना आस्था, एम आई राइट? ओके चलो, बाकी और किसी को कुछ बोलना है या सिर्फ सुनना है, अच्छे श्रोता है, वक्ता नहीं बनना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पाठ को जानते हैं, और जब आप इस पाठ को पूरा पढ़ लेंगे मैं फिर एक बार आपसे फिर इस शीर्षक का मीनिंग पूछूंगी, ठीक, पाठ को पढ़ने के बाद। तो मुझे बताइएगा कि स्क्रीन विजिबल है या नहीं, और यस स्क्रीन विजिबल है। यस मैम, ओके
आपको चैप्टर दिख रहा है? यस मैम। ओके, वाचन के लिए कौन तैयार है? बताइए। लिए कोई भी तैयार नहीं है? इनाम नंदनी। सहित बोलो। ओके नंदिनी, प्लीज स्टार्ट। अतीत में दबे पांव, ओम थानवी। अभी भी मोहन जो दड़ो और हड़प्पा प्राचीन भारत के ही नहीं दुनिया के दो सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। यह सिंधु घाटी सभ्यता के परवर्ती यानी परिवक्व दौर के शहर हैं। खुदाई में और शहर भी मिले हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा है। वह सबसे उत्कृष्ट भी है। व्यापक खुदाई यही पर संभव हुई। बड़ी तादाद में इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियां, चाक पर बने चित्रित भांडे, मुहरे, साजो सामान और खिलौने आदि मिले। सभ्यता का अध्ययन संभव हुआ। उधर सैकड़ों मील दूर हड़प्पा के ज्यादातर साक्ष्य रेल लाइन बिछने के दौरान विकास की भेंट चढ़ गए। ओके नंदिनी, प्लीज रुकिएगा यहाँ तक। जितना अभी नंदिनी ने पढ़ा है, नंदिनी को या किसी और को कोई प्रश्न पूछना है? मैम मैम ताम्रकाल मीनिंग? ताम्रकाल माने कॉपर एज, तांबे का युग। कभी शायद आपने सोशल स्टडीज में पढ़ा होगा, है ना, ताम्रकाल। और भांडे शब्द है, भांडे माने बर्तन। चाक पर बने चित्रित भांडे, मोहरे, साजो सामान, खिलौने आदि मिले हैं। तो और कोई सवाल? मैम परिपक्व माने मैच्योर। ओके, परिपक्व शहर, दौर के शहर है, यानी जिस समय सभ्यता अपने विकास की ओर आ गई थी। ठीक है, सभ्यता का विकास हो गया था, उस परिपक्व दौर के शहर हैं कौन कौन से? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ठीक है, आपने पढ़ा है ना, आपने हिस्ट्री में पढ़ा है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पियन सिविलाइजेशन। तो अब आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि अतीत में किसके पांव दबे हैं। अतीत में दबे पांव कौन से हैं? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो आपके लिए अतीत में दबी हुई कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको पता नहीं है, जिससे आपका परिचय कराया जा रहा है। ठीक है, चलो आगे का पढ़ने के लिए कौन तत्पर है? मैं पढ़ यस, पढ़िएगा फटाफट, जल्दी जल्दी। मोहनजोदड़ो के बारे में धारणा है कि अपने दौर में वह घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा होगा, यानी एक तरह की राजधानी। माना जाता है कि शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था। आबादी कोई 85,000 थी। जाहिर है 5,000 साल पहले यह आज के महानगर की परिभाषा को भी लांघता होगा। दिलचस्प बात यह है कि सिंधु घाटी मैदान की संस्कृति थी, पर पूरा मोहनजोदड़ो छोटे मोटे टीलों पर आबाद था। ये टीले प्राकृतिक नहीं थे, कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाया गया था, ताकि सिंधु का पानी बाहर पसर आए तो उससे बचा जा सके। मोहनजोदड़ो की खूबी यह है कि इस आदिम शहर की सड़कों और गलियों में आप आज भी घूम फिर सकते हैं। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का सामान भले अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहा हो, शहर जहाँ था अब भी वही है। आप इसकी किसी भी दीवार पर पीठ टिकाकर सिसता सकते हैं,
वह एक खंडहर क्यों ना हो, किसी घर की दहरी पर पांव रखकर आप सहसा सहम सकते हैं, रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध महसूस कर सकते हैं, या शहर के किसी सुनसान मार्ग पर कान देकर उस बैलगाड़ी की रुंझन सुन सकते हैं जिसे आपने पुरातत्व की तस्वीरों में मिट्टी के रंग में देखा है। सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियां अब आपको कहीं नहीं ले ले जाती, वे आकाश की तरफ दूरी रह जाती हैं, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं, वहां से आप इतिहास को नहीं उसके पार झांक रहे हैं। यहाँ तक आपने क्या जाना, थोड़ा सा कुछ समझ आया? क्या बात आपको पकड़ में आई यहाँ तक की रीडिंग में? आपने इतना सारा पढ़ लिया, अभी जहां से आस्था ने पढ़ा उसमें से पूछ रही हूँ आपको। अभी अपने पहले पढ़ लिया था कि एक परिचय है मोहनजोदड़ो और हड़प्पन सिविलाइजेशन का, लेकिन यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी आपको कौन सी ऐसी बात है जो चौंकाने वाली है? मैम कि आज भी हम पुराने समय का जो हमारे उसमें चित्र है उसको हम देख सकते हैं उसमें। बेटा देखो, खास बात है कि आज तो बहुत ना तकनीकी का बहुत विकास विकास हो गया है, और आज मशीन तरह तरह की मशीन डेवलप हो गई है। आज से 5,000 और उससे भी अधिक वर्ष पूर्व कितना ये जो कंस्ट्रक्शन है ना, कितना डेवलप था उस समय भी, कि वहां इतने साल बाद भी वो गिरी नहीं है। दूसरी बात ये कि आपको बताया कि वहां की जो दीवारें हैं वो ऊंची उठी हुई हैं, टीलों पर लोग रहते थे, और नगर के में अगर पानी भर जाए तो उसके निकास की बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। आज क्या होता है, यदि हमारा घर किसी ऐसी कॉलोनी में है जहां पर बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, तो क्या होता है, हमारे जो निकलने का रास्ता है वो पानी से भर जाता है और हमें बड़ी दिक्कत आती है। लेकिन आज से इतने वर्ष पूर्व लोगों ने कितना डेवलप्ड कंस्ट्रक्शन किया होगा। और साथ में देखो ये लाइन कितनी सुंदर है कि वहां पर आज भी आप वहां खड़े होकर महसूस कर सकते हैं बैलगाड़ी की रुंझन। तो बैलगाड़ी वहां से निकल नहीं रही है, लेकिन वहां जो दीवारों पर चित्रित चित्र हैं, वहां की जो मजबूत कंस्ट्रक्शन आपको दिख रहा है, वहां का जो उन्नत व्यवस्था आपको दिख रही है, तो आप महसूस कर सकते हैं कि वहां का जीवन कैसा रहा होगा। और आज भी आंगन की जो टूटी फूटी सीढ़ियां हैं, माना कि वो आपको कहीं नहीं ले जाती, लेकिन वहां खड़े होकर आप महसूस कर सकते हो कि आप देखो अधूरे पायदानों पर, अधूरे पायदान माने टूटी फूटी सीढ़ियां, उन पर खड़े होकर आप अनुभव कर सकते हो कि आज भी आप दुनिया की छत पर हो। यानी दुनिया में, पूरी दुनिया से अगर हम अपने आप को कंपेयर करें तो आज भी हम विकास में उनसे बहुत आगे हैं, औरों से बहुत आगे हैं। और आप क्या कर सकते हैं, वहां से आप इतिहास को देख ही नहीं सकते, इतिहास के पार भी देख सकते हैं। जो आपको दिख रहा है उससे भी ज्यादा आप उन लोगों के जीवन के बारे में अनुभव कर सकते हैं। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि इस पाठ की मात्र रीडिंग ना करें, इंफॉर्मेशन क्या है उसको समझें। ठीक है, आगे पढ़ो बेटा। यस मैम। सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप है, मगर यह मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बिखरने के बाद एक जीर्ण शीर्ण टीले पर बना। कोई 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर 26 सदी पहले बनी ईंटों के दम पर स्तूप को आकार दिया गया। चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे भी हैं। 1922 में जब राखाल दास बनर्जी यहाँ आए तब वे इसी स्तूप की खोजबीन करना चाहते थे। इसके गिर्द खुदाई शुरू करने के बाद उन्हें इल्हाम हुआ कि यह ईसा पूर्व के निशान है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ। धीमे धीमे यह खोज विशेषज्ञों की को सिंधु घाटी सभ्यता की धैर्य पर ले आई। इस खोज ने भारत को मिस्र और
मेसोपोटामिया इराक की प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष ला खड़ा किया। दुनिया की प्राचीन सभ्यता होने के भारत के दावे को पुरातत्व का वैज्ञानिक आधार मिल गया। पर्यटक बंगले से एक सर्पिल पगडंडी पार कर हम सबसे पहले इसी स्तूप पर पहुंचे। पहली की झलक ने हमें अपलक कर दिया। इस नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया है। यह शायद सबसे रोमांचक भी है। ना आकाश बदला है ना धरती, पर कितनी सभ्यताएं, इतिहास और कहानियां बदल गई। इस ठहरे हुए दृश्य में हजारों साल से लेकर पल भर पहले तक की धड़कनें बसी हुई है। इसे देखकर सुना जा सकता है। भले ही किसी जगह के बारे में हमने कितना पढ़ सुन रखा हो, तस्वीरें या वृत्त चित्र देखे हो, देखना अपनी आंखों से देखना है, बाकी सब आंखों का झपकना है। जैसे देखना अपनी आंख से देखना है, बाकी सब आंख का झपकना है। ठीक है, इसे आप बाद में व्याख्या करेंगे, अंडरलाइन कर लीजिए। ओके, आगे पढ़िए। जैसे यात्रा अपने पांव चलना है, बाकी सब तो कदम ताल है। मौसम जाड़े का था, पर दोपहर की धूप बहुत कड़ी थी। सारे आलम को जैसे एक फीके रंग में रंगने की कोशिश करती हुई। यह इलाका राजस्थान से बहुत मिलता जुलता है। रेत के टीले नहीं है, खेतों का हरापन यहाँ है, मगर बाकी वही खुला आकाश, सूना परिवेश, धूल बबूल और ज्यादा ठंड, ज्यादा गर्मी। मगर यहाँ की धूप का मिजाज जुदा है। राजस्थान की धूप पारदर्शी है, सिंध की धूप चौंधी आती है। तस्वीर उतारते वक्त आप कैमरे में जरूरी पुर्जे ना घुमाएं, तो ऐसा जान पड़ेगा जैसे दृश्यों के रंग उड़े हुए हैं। पर इससे एक फायदा हुआ, हमें हर दृश्य पर नजरें दोबारा फिरानी पड़ती। इस तरह बार बार निहारे तो दृश्य जहन में ऐसे ठहरते हैं मानो तस्वीर देखकर उनकी याद ताजा करने की कभी जरूरत ना पड़े। स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से के एक सिरे पर स्थित है। इस हिस्से को पुरातत्व के विद्वान गढ़ कहते हैं। चार दीवारी के भीतर ऐतिहासिक शहरों के सत्ता केंद्र अवस्थित होते थे, चाहे वह राज सत्ता हो या धर्म सत्ता। बाकी शहर गढ़ से कुछ दूर बसे होते थे। क्या यह रास्ता भी दुनिया को मोहनजोदड़ो ने दिखाया? सभी अहम और अब दुनिया भर में प्रसिद्ध इमारतों के खंडहर चबूतरा के पीछे यानी पश्चिम में है। इनमें प्रशासनिक इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला और कोठार है। वह अनुष्ठानिक महाकुंड भी, जो सिंधु घाटी सभ्यता के अद्वितीय वास्तु कौशल को स्थापित करने के लिए अकेला ही काफी माना जाता है। असल में यहाँ यही एक निर्माण है जो अपने मूल स्वरूप के बहुत नजदीक बचा रह सका है। बाकी इमारतें इतनी उजड़ी हुई है कि कल्पना और बरामद चीजों के जोड़ से उनके उपयोग का अंदाजा भर लगाया जा सकता है। नगर नियोजन की मोहनजोदड़ो अनूठी मिसाल है। इस कथन का मतलब आप बड़े चबूतरे के नीचे की तरफ देखते हुए सहज ही भाप सकते हैं। इमारतें भले खंडहरों में बदल चुकी हों, मगर शहर की सड़कों और गलियों के विस्तार को स्पष्ट करने के लिए यह खंडहर काफी है। यहाँ की कमोबेश सारी सड़कें सीधी है या फिर आड़ी। आज वास्तुकार इन्हें ग्रिड प्लान कहते हैं। आज की सेक्टर मार्का कॉलोनियों में हमें आड़ा सीधा नियोजन बहुत मिलता है, लेकिन वह रहन सहन को नीरस बनाता है। शहरों में नियोजन के नाम पर भी हमें अराजकता ज्यादा हाथ लगती है। ब्रासिलिया या चंडीगढ़ और इस्लामाबाद ग्रिड शैली के शहर हैं, जो आधुनिक नगर नियोजन के प्रतिमान ठहराए जाते हैं, लेकिन उनकी बसावट शहर के खुद विकसने का कितना अवकाश छोड़ती है, इस पर बहुत शंका प्रकट की जाती है। मोहनजोदड़ो की साक्षर सभ्यता ग्रिड प्लान क्या है? ठीक है, सब बच्चे इसका पता लगाएंगे। ग्रिड प्लान क्या है? वास्तुकला के क्षेत्र में ग्रिड प्लान से आप क्या समझते हैं, तो इसे आप नोट कर लीजिए और आगे का आप कोई और पढ़िए। आस्था ने काफी सारा पढ़ लिया। मैम मैं पढूं? यस। मोहनजोदड़ो की साक्षर सभ्यता एक सुसंस्कृत समाज की स्थापना थी, लेकिन उसमें नगर नियोजन और वास्तुकला की आखिर कितनी भूमिका थी? स्तूप वाले चबूतरे के पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। उसके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु बहती है। पूरब की इस बस्ती से दक्षिण की तरफ नजर दौड़ाते हुए पूरा पीछे घूम जाएं तो आपको मोहनजोदड़ो के खंडहर हर जगह दिखाई देंगे।
दक्षिण में जो टूटे फूटे घरों का जमघट है वह कामगारों की बस्ती है, कहा जा सकता है इतर इतर वर्ग की। संपन्न समाज में वर्ग भी होंगे, लेकिन क्या निम्न वर्ग यहाँ नहीं था? कहते हैं निम्न वर्ग के घर इतनी मजबूत सामग्री से नहीं रहे होंगे कि 5,000 साल टिक सकें। उनकी बस्तियां और दूर रही होंगी। यह भी कि 100 साल में अब तक इस इलाके के एक तिहाई हिस्से की खुदाई ही हो पाई है, अब वह भी बंद हो चुकी है। हम पहले स्तूप के टीले से महाकुंड के विहार की दिशा में उतरे। दाई तरफ एक लंबी गली दिखती है, इसके आगे महाकुंड है। पता नहीं सायास सायास है या संयोग की धरोहर के प्रबंधकों ने उस गली का नाम देव मार्ग डिविनिटी स्ट्रीट रखा है। माना जाता है कि उस सभ्यता में सामूहिक स्नान किसी अनुष्ठान का अंग होता था। कुंड करीब 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा है, गहराई 7 फुट। कुंड में उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियां उतरती हैं। इसके तीन तरफ साधुओं के कक्ष बने हुए हैं। उत्तर में दो पाथ में 8 स्नानघर हैं। इनमें किसी का द्वार दूसरे के सामने नहीं खुलता। सिद्ध वास्तुकला का यह भी एक नमूना है। इस कुंड में थोड़ा सा रुकिएगा बेटा। देखो यहाँ पे ये बहुत अच्छी बात बताई कि स्नान करने के लिए जो कुंड बना था वो कैसा है, ठीक है, उसकी लंबाई चौड़ाई सीढ़ियां। इसके अलावा जो खास बात है वो ये कि जहां स्नान करना है, जहां कुंड बना है, वहां पर जो कक्ष बने हुए थे वो ऐसे थे कि एक का द्वार दूसरे के सम्मुख नहीं खुलता। यानी जो भी लोग हैं वो मर्यादा को बनाए रखते हुए वहां स्नान कर सकते थे, अपने वस्त्र बदल सकते थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए वहां पे कक्ष बनाए गए थे। तो उस समय भी लोगों ने कितना गहन चिंतन किया होगा, कितना सोचा होगा कि वहां की वास्तुकला इतनी उन्नत थी। ठीक है, पढ़िए, आगे पढ़िए। इस कुंड में खास बात पक्की ईंटों का जमाव है। कुंड का पानी रिस न सके और बाहर का अशुद्ध पानी कुंड में न आए, इसके लिए कुंड के तल में और दीवारों पर ईंटों के बीच चूने और चिरोड़ी के गारे का इस्तेमाल हुआ है। पार्श्व की दीवारों के साथ दूसरी दीवार खड़ी की गई है, जिसमें सफेद डामर का प्रयोग है। कुंड के पानी के बंदोबस्त के लिए एक तरफ कुआं है, दोहरे घेरे वाला या अकेला कुआं है। इसे भी कुंड के पवित्र या अनुष्ठानिक होने का प्रमाण माना गया है। कुंड से पानी को बाहर बहाने के लिए नालियां हैं। इनकी खासियत यह है कि ये भी पक्की ईंटों से बनी है और ईंटों से ढकी भी हैं। यस, यानी ढकी हुई नालियां। आप नोट करते जाइए क्या क्या विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर जो नालियां हैं वो कैसी हैं, ढकी हुई हैं, जिससे प्रदूषण ना हो और बाहर की गंदगी इन नालियों के पानी में ना मिले। दिख रहा है आपको ये डिजाइन, दिख रहा है सब बच्चों को, दिख रहा है किस तरह का निकास की व्यवस्था है पानी के, दिख रहा है या नहीं, बताओ। यस मैम, मैम ओके ओके, चलो आगे जानते हैं क्या थोड़ा पक्की और सा और। आकार में समरूप धूसर ईंटें तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पहचान मानी ही गई हैं। ढकी हुई नालियों का उल्लेख भी पुरातात्विक विद्वान और इतिहासकार जोर देकर करते हैं। पानी निकासी का ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त इससे पहले के इतिहास में नहीं मिलता। महाकुंड के बाद हमने गढ़ की परिक्रमा की। कुंड के दूसरी तरफ विशाल कोठार है। कर के रूप में हासिल हासिल अनाज शायद यहाँ जमा किया जाता था। इसके निर्माण रूप खासकर चौकियों और हवादारी को देखकर ऐसा कयास लगाया गया है। यहाँ नौ नौ चौकी कयास लगाना माने अनुमान लगाना, ठीक है। देखो यस मैम, यहाँ नौ नौ चौकियों की तीन कतारें हैं। उत्तर में एक गली है जहाँ बैलगाड़ियों का जिनके प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं ढुलाई के लिए आवागमन होता होगा। ठीक इसी तरह का कोठार हड़प्पा में भी पाया गया है। अब यह जग जाहिर है कि सिंधु घाटी के दौर में व्यापार ही नहीं उन्नत खेती भी होती थी। बरसों यह माना जाता रहा कि सिंधु घाटी के लोग अन्न उपजाते नहीं थे, उसका आयात करते थे।
नई खोज ने इस ख्याल को निर्मूल साबित किया है, बल्कि अब कुछ विद्वान मानते हैं कि वह मूलतः खेतिहर और पशुपालक सभ्यता ही थी। लोहा शुरू में नहीं था, पर पत्थर और तांबे की बहुतायत थी। पत्थर सिंध में ही था, तांबे की खाने राजस्थान में थी। इनके उपकरण खेती बाड़ी में प्रयोग किए जाते थे, जबकि मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकरण इस्तेमाल होते थे। इतिहासकार इरफान हबीब के मुताबिक यहाँ के लोग रबी की फसल लेते थे। कपास, गेहूं, जौ, सरसों और चने की उपज के पुख्ता सबूत खुदाई में मिले हैं। वह सभ्यता का तर युग था जो धीमे धीमे सूखे में ढल गया। विद्वानों का मानना है कि यहाँ ज्वार, बाजरा और रागी की उपज भी होती थी। लोग खजूर, खरबूजे और अंगूर उगाते थे। झाड़ियों से बेर जमा करते थे। कपास की खेती भी होती थी। कपास को छोड़कर बाकी सबके बीज मिले हैं और उन्हें परखा गया है। कपास के बीज तो नहीं, पर सूती कपड़ा मिला है। ये दुनिया में सूत के दो सबसे पुराने नमूनों में एक है। दूसरा सूती कपड़ा 3000 ईसा पूर्व का है, जो जॉर्डन में मिला। मोहनजोदड़ो में सूत की कताई बुनाई के साथ रंगाई भी होती थी। रंगाई का एक छोटा कारखाना खुदाई में माधो स्वरूप वत्स को मिला था। छाल्टी यानी लेनन और ऊन कहते हैं यहाँ सुमेर से आयात होते थे। शायद सूत उनको निर्यात होता हो, जैसे जैसा कि बाद में सिंध से मध्य एशिया और यूरोप को सदियों हुआ। प्रसंगवश मेसोपोटामिया के शिला लेखों में मोहनजोदाड़ो के लिए मेलुहा शब्द का संभावित प्रयोग मिलता है। महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी सी इमारत के अवशेष हैं। इसके बीचों बीच खुला बड़ा दालान है। तीन तरफ बरामदे हैं। इसके साथ कभी छोटे छोटे कमरे रहे होंगे। पुरातत्व के जानकार कहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों में ज्ञानशालाएं सटी हुई होती थीं। उस नजरिए से इसे कॉलेज ऑफ प्रीस्ट माना जा सकता है। दक्षिण में एक और भग्न इमारत है। इसमें 20 खंभों वाला एक बड़ा हॉल है। अनुमान है कि यह राज्य सचिवालय, सभा भवन या कोई सामुदायिक केंद्र रहा होगा। गढ़ की चार दीवारी लांग कर हम बस्तियों की तरफ बढ़े। यह गढ़ के मुकाबले छोटे टीलों पर बनी है, इसलिए इन्हें नीचा नगर कहकर भी पुकारा जाता है। खुदाई की प्रक्रिया में टीलों का आकार घट गया है। कहीं कहीं वे फिर जमीन से जा मिले हैं और बस्ती के कुएं लग मिले हैं और बस्ती के कुएं लगता है जैसे मीनारों की शक्ल में धरती छोड़कर बाहर निकल आए हों। पूरब की बस्ती रईसों की बस्ती है। हालांकि आज के युग में पूरब की बस्तियां गरीबों की बस्तियां मानी जाती हैं। मोहनजोदाड़ो इसका उलट था, यानी बड़े घर, चौड़ी सड़कें, ज्यादा कुएं। मोहनजोदाड़ो के सभी खंडहरों को खुदाई करवाने वाले पुरातत्व वेताओं का संक्षिप्त नाम दे दिया गया है, जैसे डीके हलका, दीक्षित, काशीनाथ की खुदाई। उनके नाम पर यहाँ दो हलके हैं। डीके क्षेत्र दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है। शहर की मुख्य सड़क फर्स्ट स्ट्रीट यहीं पर है। यह बहुत लंबी सड़क है। मानो उन मा सबसे नाम दिया गया है, जैसे डीके हलका, दीक्षित, काशीनाथ की खुदाई। उनमें नाम पर यह दो हलके हैं। डीके क्षेत्र दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है। शहर की मुख्य सड़क फर्स्ट स्ट्रीट यहीं पर है। यह बहुत लंबी सड़क है, मानो कभी पूरे शहर को नापती हो। यह आधा मील बची है। इसकी चौड़ाई 33 फुट है। मोहनजोदाड़ो से तीन तरह के वाहनों के साक्ष्य मिले हैं। इनमें सबसे चौड़ी बैलगाड़ी रही होगी। इस सड़क पर बैलगाड़ियां एक साथ आसानी से आ जा सकती हैं। यह सड़क वहां पहुंचती है जहां कभी बाजार था। इस सड़क के दोनों ओर घर हैं, लेकिन सड़क की ओर सारे घरों की सिर्फ पीठ दिखाई देती है, यानी कोई घर सड़क पर नहीं खुलता। उनके दरवाजे अंदर गलियों में हैं। दिलचस्प संयोग यह है कि चंडीगढ़ में ठीक यही शैली 50 साल पहले कार्बुजिए ने इस्तेमाल की। वहां भी कोई घर मुख्य सड़क पर नहीं खुलता। आपको किसी के घर जाने के लिए मुख्य सड़क से पहले सेक्टर के भीतर दाखिल होना पड़ता है, फिर घर की गली में, फिर घर में। क्या कार्बुजिए ने यह सीख मोहनजोदाड़ो से ली? कहते हैं
कविता में से कविता निकलती है। कलाओं की तरह वास्तुकला में भी कोई प्रेरणा चेतन अवचेतन ऐसे ही सफर करती होगी। ढकी हुई ना बस स्टॉप यहीं पर रुकेंगे, थोड़ी सी चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर आगे का पढ़ेंगे, है ना। तो जितना अभी आपने पढ़ा है, जितना अभी अध्ययन हुआ, वाचन हुआ, पढ़ा, उसमें से किसी को कोई सवाल या ऐसी कोई बात जो आपको प्रभावित की है, मन को अच्छी लगी, दोनों ही बातें हैं, क्या सार समझ में आया जितना पढ़ा उसमें से, और क्या प्रश्न है आपके? कहीं कोई डाउट नहीं आया, कोई सवाल नहीं है? हर्षी, यस मैम। नो नो क्वेश्चन। चलो, पहली बात तो आप सब बच्चों ने बहुत अच्छा पढ़ा। अगर अभी याद हो कि आपने जो लास्ट में पढ़ा है कि यहाँ पर जो घरों के दरवाजे थे वो मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे, ठीक है, क्योंकि आप प्रश्न ही पूछ रहे हो तो फिर मुझे पूछना पड़ता है, इसका क्या कारण है, कुछ बता सकते हैं? क्यों नहीं खुलते थे? मुख्य सड़क पर खुल जाएंगे तो क्या दिक्कत है? मैम गंदा ज्यादा होगा ना घर, और आवाज शोर भी होगा। तो आज से इतने वर्ष पूर्व भी आज हमें ये लगता है ना कि हम बहुत विकसित हो गए, हमारे घरों का डिजाइन बड़ा सुंदर हो गया, पहले इतना अच्छा नहीं था। लेकिन आप देखिएगा, पहले की इमारतें, पहले के बने हुए किले, आप जब घूमने जाते हैं, चाहे आप ग्वालियर फोर्ट जाएं, आप चाहे आगरा फोर्ट देखें, दिल्ली फोर्ट देखें, आप कहीं भी जाते हैं, जब आप बड़े बड़े किले देखते हैं, आमेर का किला देखें, तो उस समय की वास्तुकला आज से कई ज्यादा उन्नत थी और कई मायनों में उन्नत थी। आज की बनी हुई दीवारें, आज के बने हुए भवन तो एक साल में ही जर्जर हो जाते हैं, एक साल बाद ही वो मेंटेनेंस मांगने लगते हैं, जबकि आज से हजारों हजारों साल पूर्व भी बिना मशीनों के भी, बिना बड़ी बड़ी टेक्निक के भी लोगों ने इतना विकास किया था। तो ये सच में चौंकाने वाली बात है, आश्चर्य में डालने वाली बात है। आज भी शहर विन्यास के लिए, वास्तुकला के लिए लोग सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता यहाँ जाकर आइडियाज लेते हैं। तो अभी आपने देखा ग्रिड प्लान वहीं से आया, शहरों की ओर मुख्य सड़क की ओर कोई द्वार ना खुले, ये विचार वहीं से आया। तो इस पाठ में कौन कौन सी गुण बातें छिपी हैं, एक बार ध्यान से अध्ययन करेंगे। तो सिर्फ अध्ययन काफी नहीं है, उसका अनुशीलन भी होना चाहिए, ठीक है? ओके, शांति पाठ करें। चलो, जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज, गेट रेडी फॉर शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। साई राम, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा, जिससे आपके मन में